वेलकम टू नई सुबह कहानी घर, कहानी घर नई सुबह टेल्स प्रोड्यूस बाय अनम तारिक, वॉइस ओवर बाय रहीमा। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रहीमा और हमारी आज की कहानी का नाम है अंगूर खट्टे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी सुबह से भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर बाद लोमड़ी एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां अंगूरों से भरी एक बेल लटक रही थी। मीठे मीठे और मजेदार अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में तो पानी ही आ गया। लोमड़ी ने उछल उछल कर अंगूर तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही, क्योंकि अंगूर लोमड़ी की पहुंच से बहुत दूर थे। पास ही दरख्त पे बैठा एक उल्लू मुस्कुरा रहा था। उल्लू ने मुस्कुराते हुए लोमड़ी से कहा, क्यों लोमड़ी, थक गई? तुम जितनी कोशिश कर लो तुम अंगूरों तक नहीं पहुंच सकती। लोमड़ी जानती थी कि उल्लू ठीक कह रहा है, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए लोमड़ी ने कहा, मुझे लगता है अंगूर खट्टे हैं। जब अंगूर पक जाएंगे और मीठे हो जाएंगे तब मैं आकर खा लूंगी। लोमड़ी का ये बहाना सुनकर उल्लू मुस्कुराने लगा, मगर खामोश रहा और लोमड़ी अपना सर झुकाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, अगर हम कोशिश के बावजूद किसी चीज़ को हासिल ना कर सकें तो हमें बहाना बनाने के बजाय अपनी नाकामी को मान लेना चाहिए और इस काम के लिए और भी ज़्यादा मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। नई सुबह की कहानी घर में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।